9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. यह चलचित्र एक वास्तविक कार्य का है और हमारा उद्देश्य हॉस्टल लाइफ का विवरण करना है। इस चलचित्र के सभी पात्र वास्तविक है और अधिकांश का फिफ्थ फ्लोर कमेटी से ताल्लुकात है। यह चलचित्र कुछ विद्यार्थी समुदाय जैसे लाचार सीसी और बुद्धिजीवी को विचलित कर सकती है और उसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं होगी। सभी पात्र अति साधारण विद्यार्थी है, न कि मजे हुए अभिनेता। इसलिए आपसे विनती है कि नुक्ताचीनी न करें और आनंद की अनुभूति करें। आइए आपको मिलवाते हैं फिफ्थ फ्लोर कमेटी से, जिनके सदस्य कॉलेज में कम और हॉस्टल में ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन कॉलेज में जब भी दिखाई देते हैं सभी साथ होते हैं। अब चलते हैं हॉस्टल की ओर, जहाँ ये सभी प्राणी निवास करते हैं। हॉस्टल में ये सभी लोग एक ही रूम में बैठकर घंटों बकचोदी करते हैं, पर है ये यूनिक। दोस्तों के साथ जिया करते हैं, फिक्र करते हैं सबकी, पर अपनी बेफिक्री भी बनाए रखते हैं। समझदार तो है ही, पर थोड़ी नासमझी भी बनाए रखते हैं। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया। इनका आधा दिन तो सोने में ही चला जाता है और बचा आधा दिन अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में, जो आपको जल्द ही पता चलने वाले हैं। उठाइए ना, उठाइए ना। 505 का निवासी है राजा राम, पूरे दिन करता रहता आराम, ढंग से करता नहीं कोई काम, और जब लोगों का लंच होता है तब इसके चाय पीने का वक्त होता है। ये चाय जो है ना, बहुत ही कमाल की चीज होती है। कमेटी के लोगों की दिन की शुरुआत इसी से होती है। ये है श्याम सोलंकी, जो पिछले 30 वर्षों से मेडिकोज को चाय पिला रहे हैं, और हॉस्टल के बाद इन लोगों की दूसरी पसंदीदा जगह यही है। ये है इनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ये लोग MBBS सेकेंड ईयर के छात्र हैं। पहले ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एलन के हर टेस्ट में टॉप भी करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ इनका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण इनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। इनको समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं सुधरे, उल्टा और लोगों को अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया। ये पबजी वाला है क्या? हाँ हाँ मोदी जी, ये पबजी वाले ही हैं। और ये है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें कमेटी के चुनिंदा लोग ही शामिल है। ब
बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। मैं देखता हूँ अभी। कमेटी के प्रेसिडेंट है राकेश कुमार, वृद्धजनों में है जिनका नाम शुमार। करते हैं ये कमेटी का रखरखाव, चल रहा है इनकी उम्र का अंतिम पड़ाव। परीक्षा से एक दिन पहले कमेटी के लोगों के हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। आर या पार की लड़ाई जो लड़नी होती है, जिसे ये लोग कहते हैं वन नाइट फाइट। Thank you.
जल्दी करो, तुम पेपर दे दो। एग्जाम की तैयारी तो सब करते हैं, पर कुछ लोग ही एग्जाम में बैठ पाते हैं। कम अटेंडेंस के चलते कमेटी के कुछ सदस्यों को एग्जाम हॉल में घुसने ही नहीं दिया जाता और उनका एग्जाम का सपना सपना ही रह जाता है। और इनको आने से ज्यादा जाने की जल्दी होती है। जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, दारू नहीं वो पानी है। जो लौंडा हाउस पार्टी ना करे, बेकार उसकी जवानी है। अंदर लौंडों की हाउस पार्टी चल रही है। युवा समाज में हाउस पार्टियों की अपनी एक खास जगह होती है। युवा बिना हाउस पार्टियों के ठीक वैसे ही है जैसे कोक बिना कोला, सब्जी बिना झोला। पार्टी की तैयारियां हो चुकी हैं और सेंटर स्टेज गिलासों, एस्ट्रेयों और गिटारों ने ले ली है। और प्रियंका चोपड़ा अखबार पे लेटी लेटी मुस्कुरा रही है। इनका चखना देखिए, ऐसा लगता है अंबानी की पार्टी है। रंजीत बताते हैं कि घर में कभी 8 कांच की गिलासे हुआ करती थी, दिल टूटते गए और गिलास भी। और अब जब चीयर्स करते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है, डिस्पोजल आवाज जो नहीं करती। देखिए कितनी शिद्दत से पैक बनाया जा रहा है, किसी को एक बूंद भी ज्यादा या कम ना पड़ जाए। हमारे देश के नेताओं को विदेशी दौरे छोड़ के लौंडों की हाउस पार्टी के दौरे करने चाहिए। कम से कम प्रजा में बराबर कैसे बांटते हैं ये ही सीख लेंगे। दो सिफी ली थी कि बाप का फोन आ गया। ऐसा लगता है कि बेटा बियर बार है और बाप इंक्रेडिबल गुजरात है। ना ही खुद पिएगा ना पीने देगा, और ये बात दोस्त लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ऐसे मौके पे ज्यादा मारते हैं। राज जवान है और मैं हसीन, सब तीन तीन पैक टल्ली है। और जैसा कि पता लगा, पार्टी में एक दौर ये भी आता है। कैसे? हेलो हेलो श्रेया, श्रेया तुमने मुझे ब्रेकअप के बाद अनफ्रेंड मार दिया फेसबुक से, ऐसा क्यों श्रेया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया मैंने। हाँ, वायरल म्यूजिक में श्रेया, ये कैसे बात कर रही हो? लड़की इनकी बेइज्जती कर रही है और इनके दोस्तों को मजा आ रहा है। हाउस पार्टियों का यही फन होता है। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 1 बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। ये
दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे।